जो भाई लोग हमारे चैनल पे कंटेंट चेकआउट करते रहे उनको ये इंट्रो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज कि इंट्रो में हम लोग फेस कैम के थ्रू ही बात करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वीडियो का टॉपिक ही ये है कि हम लोग कैसे अपना जो वेब कैम है उसको सेटअप करेंगे, दैट इज़ द रीज़न वाई कि हमारे स्ट्रीमिंग पीसी पे फिलहाल कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है। राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग अपने वेब कैम को पहले सेटअप करेंगे ड्राइवर्स इंस्टॉल करके, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे आप OBS स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए अपना जो वेब कैम है उसको स्ट्रीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अब स्ट्रीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल लगेगी, पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ग्रीन स्क्रीन और बाकी सब बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना जो बेसिक सेटअप है वो पूरा करते हैं कैमरा का। फिलहाल जो फेस कैम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेब कैम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है लॉजिटेक का C922X, और हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको USB से। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग लॉजिटेक की वेबसाइट पे चलेंगे और एक छोटा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करेंगे। तो कनेक्ट करते हैं अपना जो कैमरा है पहले USB के थ्रू अपने कंप्यूटर से, और उसके बाद चलते हैं वेबसाइट पे। ओके, सो कैमरा जो है हमारा वो डिटेक्ट हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और चलते हैं लॉजिटेक की जो वेबसाइट है उस पर, और वहाँ से डाउनलोड करते हैं जो इस कैमरा का सॉफ्टवेयर है, जो लॉजिटेक का अपना सॉफ्टवेयर है उसको। तो वेबसाइट पे हम लोगों को टाइप करना है logitech.com/capture। ओके, तो सेटअप रन करते हैं यहाँ पर, सिंपल जैसे किसी भी विंडोज़ का सेटअप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको रन करते हैं। लॉजिटेक का कैप्चर सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि कई बार जो हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार फ्लिकरिंग इफेक्ट आता है, मतलब जो एक लाइन जैसी आती है जो वेबकैम है उसमें, तो उसको हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो राइट हम लोग पहले फ्रेम के लिए तैयार हैं, मुझे पता नहीं है जस्ट बिकॉज के नया सेटअप है कि क्या और कैसा दिखाई देने वाला है, बाद में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो लॉन्च करते हैं इसको। ओके, तो इंडिकेटर हम लोगों को मिल गया है कि वेबकैम ऑन है, और हम लोगों को डिस्प्ले मिलना चाहिए विद इन नो टाइम, आई थिंक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो मिल गया है। और अभी जो मैं फ्लिकरिंग इफेक्ट का आपसे जिक्र कर रहा था, आप देख रहे होंगे पीछे मेरे ग्रीन स्क्रीन है और वो फ्लिकरिंग इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट की जो वेव्स है वो नीचे से ऊपर जा रही है। तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं और कलर कॉम्पोजिशंस वगैरह यहाँ से सेट करते हैं, ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस वगैरह। ओके, तो सेटअप भी, ये जो अपडेट है इसको भी फटाफट से कर लेते हैं इंस्टॉल हाथ के हाथ। ओके, सो अपडेट इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों ने अपने PC को एक बार रीस्टार्ट किया है, और अब ओपन करते हैं हम लोग अपना जो लॉजिटेक का कैप्चर जो हम लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, फिर बाद में अपडेट भी किया था उसको। और पहला जो प्रीव्यू है वो मिलेगा दोबारा से एक बार, और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको जो इसकी सबसे बेसिक सेटिंग्स जो है वो कैसे करनी है फिलहाल। ओके, सो कैमरा इज़ एक्टिवेटेड, प्रीव्यू अवेटेड, एंड सो हियर वी आर। ये फ्लिकरिंग इफेक्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो जो लाइट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था उसको थोड़ा सा सही करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे अगर होम पेज पे ही, तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 60Hz सेलेक्टेड है, इसको हम लोग 50Hz करते हैं तो फ्लिकरिंग गायब हो गई जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ऑटो फोकस है, ऑटो वाइट बैलेंस है, इमेज सेटिंग्स हम लोगों को ज़रूरत है जस्ट बिकॉज कि हम लोग फोटोज़ क्लिक नहीं कर रहे हैं। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे ग्रीन स्क्रीन है आधे हिस्से, मतलब जितना एरिया कैप्चर होता है उतने में ग्रीन स्क्रीन है। यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम लोग दो रख सकते हैं, एक्सपोजर या फ्रेम रेट। तो फिलहाल मैं इसको फ्रेम रेट रख रहा हूँ, और फ्रेम रेट वैसे जब हम लोग स्ट्रीम करते हैं OBS वगैरह से तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जस्ट बिकॉज कि अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं या किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं तो उसमें नॉर्मली होता ये है कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी जितनी अच्छी सैचुरेटेड और अच्छे रेजोल्यूशन वाली इमेज मिलेगी उतना बेहतर है। तो हम लोग जो फ्रेम रेट है उसको 30 FPS रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है उसको 1080p रखेंगे। तो रेजोल्यूशन के लिए आते हैं हम लोग नीचे यहाँ पर, और यहाँ पे फुल HD है और 30 FPS है ये हम लोगों को चाहिए। कोडेक आपको H.264 ही रखना है जो पॉपुलर है ऑलरेडी। और एक चीज़ मैं और करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज की
जो वेबकैम है सामने उसमें मेरी इमेज में जो ऑब्जेक्ट जो मेरा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट करता हूँ। नीचे आप देखेंगे कि ये ऑप्शन होगा, इमेज थोड़ा सा नीचे आएंगे, सॉरी, ये रहा हॉरिजॉन्टली फ्लिप सोर्स, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा। और अभी एक्चुअली जो मेरा राइट है वो मेरे को अपनी इमेज में भी राइट दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं पता कि वर्टिकली कौन फ्लिप करना चाहेगा, लेकिन ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें कुछ वियर्ड करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये एक बेसिक सेटिंग्स हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को कलर करेक्शन वगैरह चाहिए, या आप लोगों को कुछ कलर्स अगर आउट लग रहे हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है, तो इसको हम लोग बाकी चीज़ों को सेटअप करेंगे हम लोग अपने OBS में। तो चलते हैं, इसको यहाँ पे बंद करते हैं और अपने OBS में चलते हैं, और वहाँ पे इसको एज ए सोर्स डिटेक्ट करवाते हैं और एक सीन में ऐड करते हैं अपने। तो फिलहाल इसको बंद करेंगे यहाँ से और खोलते हैं अपना OBS, और OBS स्टूडियो में हम लोग किसी भी सीन में, जिस सीन में हम लोगों को अपना वेब कैम चाहिए उसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एलगाटो में, और ये सीन है जो हम लोग देखते हैं ब्लडी हिल गेमिंग लाइव की, जो हमारी स्ट्रीम होती है, जो हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं उस पर। ये इस तरह का इंटरफेस आप लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग अपना फेस कैम जो है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे जो सीन है इसमें नीचे आप सोर्सेज में आएंगे, ऐड वीडियो कैप्चर डिवाइस, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा जिससे कि मेरे को थोड़ा सा रेफरेंस रहे, फेस कैम। ओके, और यहाँ पे मैं अपना सोर्स चुनूंगा, फिलहाल HD वेबकैम जो मेरा लैपटॉप का वेबकैम है वो है, लेकिन मैं इसको जो मेरा एक्चुअल वेबकैम है उसको चुनते हैं यहाँ पर। और रेजोल्यूशन को डिवाइस डिफॉल्ट ना करके हम लोग करेंगे कस्टम, और रेजोल्यूशन यहाँ पे चूज करेंगे 1080p, और आउटपुट FPS 30, और बाकी सब ऐसे ही रहने दे देंगे। सो दैट्स इट। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन स्क्रीन के अलावा दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा मार्जिनस हैं, और पीछे आपको दीवारों का टेक्सचर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग इसको सेट करते हैं जल्दी से, और इसको सेट करने के लिए हम लोग पूरी इमेज जो है इसको क्रॉप करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे फेस कैम हम लोगों ने ऐड किया था यहाँ पे, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एक फिल्टर, और फिल्टर होगा क्रॉप पैड। तो हम लोगों को लेफ्ट से क्रॉप करना है, लेट्स से 150 क्रॉप करके देखते हैं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेट्स से 250 क्रॉप करें, उससे भी ज़्यादा 500 इज़ फाइन। और इधर ऐसे ही मैं राइट से करूँगा, राइट से ज़्यादा नहीं करना है मेरे को, लेट्स से 200, मोर देन दैट लेट्स से 300, 300 विल बी फाइन। और थोड़ा सा मैं टॉप से क्रॉप कर दूंगा इसको, लेट्स से 200, 200 विल बी फाइन। तो ये इमेज है मेरी जो जो हमारा वेबकैम है वो कैप्चर कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें से मेरे को एक ग्रीन कलर हटाना है जो हम लोग स्ट्रीमर्स का देखते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक और फिल्टर ऐड करने वाले हैं, राइट क्लिक करते हैं फेस कैम पे, फिल्टर्स, और यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है एक फिल्टर। आप देखेंगे एक फिल्टर है क्रोमा की, एंड एज सून एज वी सेलेक्ट इट आप ये देखेंगे कि ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक गायब हो गया है, और बाकी हम लोग इसको फाइन ट्यून करेंगे। और ये ट्यूनिंग डिपेंड होती है कि आपके कमरे में कितनी लाइट है, तो इसको ट्यून करते हैं जल्दी से। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 400 से वैल्यू इसकी, जितनी बेहतर लगे, काफ़ी अच्छा है अभी फ़िलहाल। तो आप लोगों को दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो जो सब्जेक्ट है हमारा, जो जैसे मैं बैठा हूँ फ़िलहाल आगे, तो जो मेरी बालों की जो आउटलाइन है, जो शर्ट है उसकी आउटलाइन है, वहाँ पे जो नॉइस आ रहा है, जो स्नो आ रहा है, उसको ध्यान रखना है हम लोगों को कि वो अच्छा सैचुरेटेड हो। और दूसरी बात ये कि आप ये जो माइक वाला पोर्शन देख रहे हैं और ये जो पॉप फिल्टर वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसमें ब्लैक कलर के ग्रेन्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए। तो ये दो चीज़ें हम लोग सेट कर रहे हैं, आप लोग अपने लाइट सोर्स के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद, और थोड़ा सा मैं नीचे स्मूथनेस से इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँगा यहाँ पर, एंड आई थिंक दैट शुड डू। इसके अलावा अगर आप चाहें, ऐसा लग रहा है आपको कि जो गेमिंग का कलरफुल बैकग्राउंड है उसके मुकाबले अगर हम लोगों का फेस या हम लोगों की जो अपीयरेंस है थोड़ी सी डल नज़र आ रही है, तो वीडियो भी थोड़ा सेट कर सकते हैं, सेचुरेशन कॉन्ट्रास्ट वगैरह। उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक और फिल्टर, और वो है कलर करेक्शन, क्लिक करते हैं इसको। ओके, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा उजले लगने के लिए, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं जस्ट बिकॉज़ की जो स्क्रीन होती है गेमिंग की वो ज़्यादा कलरफुल होती है और बढ़िया सी होती है। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, हल्का सा कम कर लेते हैं इसको। हाँ फाइन, और क्रोमा की मैं एक बार और सेट करूँगा क्योंकि मेरे को पीछे हल्का सा ग्रेन ही दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, एंड आई थिंक दैट विल वर्क आउट फॉर अस। ओके,
और यहाँ पे मैं इमेज को अपनी छोटा कर लूँगा, काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, एंड ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस। सो नॉर्मली ये चीज़ आप देखते हैं वीडियोस में, और कुछ जो दो चार हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम की है फेस कैम के साथ उसमें, तो इतना इजी है और इतना सिंपल है किसी भी तरीके से, मतलब ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट है वो देना। इसके अलावा जो आपको हमारे OBS स्टूडियो सेटअप पे कुछ खास चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो विंडो है उसके एक साइड में YouTube की जो लाइव चैट है वो भी चलती है, तो कैसे आप अपने OBS स्टूडियो में ये YouTube की लाइव चैट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ऊपर आई कार्ड पर लिंक आएगा, चेकआउट करिए वीडियो की, कैसे आप लोग OBS पे नज़र रखते रखते अपनी लाइव चैट को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आई होप वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो भाई लोग इतना इजी है हमारे वेबकैम को सेटअप करना एक ग्रीन स्क्रीन पे। और एक दो चीज़ मैं खास जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहली बात तो कि ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो कलर्स ऐसे हैं जो हमारा स्किन टोन है, जो ह्यूमंस का स्किन टोन है उससे बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं, जो कलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें। तो अगर हम लोगों को फ्रेम में से ये दो कलर्स गायब करने हैं तो उसमें जो हमारी अपीयरेंस है वो कहीं शामिल नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करें तो ये ध्यान रखें कि ग्रीन कलर या ग्रीन से टच होता हुआ कोई भी कलर कभी भी ना पहने, वरना उतना हिस्सा आपका भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी टिप ज़रूरी है कि कोशिश करें कि जितना हो सके उतना ग्रीन स्क्रीन जो है वो आपसे दूरी पे हो। बहुत अच्छा हो अगर 2 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी पे हो, जैसे मेरा रूम काफ़ी छोटा है तो ये रीज़न है कि कई बार आप देखते होंगे कि जो हमारी अपीयरेंस है उसमें जो बॉर्डर पे थोड़ा सा हल्का सा एक ग्रीन कलर का एक रिफ्लेक्शन आता होगा, उसे कलर स्पिल बोलते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि ग्रीन स्क्रीन काफ़ी पास में है। तो अगर पॉसिबल हो तो जितना दूर रहे आपसे ग्रीन स्क्रीन उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, उतना नेचुरल रिजल्ट आएगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट, माफ़ कीजिएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो अच्छे से लिट होनी चाहिए, उस पर खूब सारी लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप आगे बैठे हो और आपकी शेडो जो है वो पीछे कास्ट हो रही हो, आपकी जो परछाई है वो पीछे नहीं आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, अगर आपकी शेडो पीछे फॉर्म हो जाएगी, पीछे अगर आपकी परछाई बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, तो उतना हिस्सा जो है आपकी स्ट्रीम पे रिफ्लेक्ट करेगा और वो परफेक्ट ग्रीन स्क्रीन वाला जो एक रिजल्ट है वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इस सेटअप से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, पूछिए हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटे वाला बटन आपको ज़रूर दबाना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी नई वीडियो आती है तो वो घंटा बजता है और आपको पता लग जाता है कि नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।